Excuse me, is this a cockfight? क्या चुपचाप आप इस खाने को उसमें खा रहे हो? जो दिख रहा है जनाब वही इसका मतलब है यानी cockfight. That means it's a cockfight. I think you are right, लेकिन ये मुर्गा लड़ाई भी है. Yeah, yeah, it's the same. मुर्गा यानी cock, cock यानी मुर्गा. ये cock मुर्गा नहीं मालूम, ये मोर मुर्गा है. मोर है? जी हाँ. तो मुर्गा कहाँ है? एक बटा दो, दो बटे चार, चार बटे आठ. बंगाली का मुर्गा सुपरस्टार है. आए कोई मर्द की औलाद जो मेरे शेर को हरा सके. लगता है सारे मर्द तकिया चादर लेके सो गए. सवा दो लाख. अभी तेरे चक्के छोड़ता हूँ. ये पीला पीला माल पूरा एक पेटी का है. आज अरे मैदान में देखता क्या बे. ले बर्राज जी आ गए भागो. अबे तू मेरे साथ चोर पुलिस का खेल खेल रहा है क्या? चोर है? सर क्या चुरा के भाग रहे हैं आप? अबे तू छोड़ता है क्या? बचाओ सर बताइए ना क्या चुरा है? आज तो मेरा भरता बनाना पड़ेगा. अपनी बात था मेरी. अरे छोड़ना कितनी बचाएगा बे? मेरे दो लाख रुपए कहाँ है? तुम ही शामिल है लोगों के साथ. मैं तुम्हारा पोता बदमाश कहीं का. पैसे उठा लिया मुझे क्यों मार रहे हैं? भाग पुलिस दादा. मुझसे बच के भागेगा? बंद कर दो. ले जाओ. सबको जेल में डाल दो और किसी को भी बेल मत देना. समझे? संक्रांति का त्योहार सर पे है. ये नहीं कि कुछ अच्छा पुण्य का काम करें, लोगों की मदद करें, गांव का भला करें. ये निकम्मे सट्टा और जुआ खेलकर सारे त्योहार का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं नालायक. सब तो चले गए. किससे बोलो? साइकिल की हवा किसने निकाली? किसकी हिम्मत हुई? दामाद तो सामने आओ. तू कौन है? पहले कभी नहीं देखा सर. तुम तो गांव के नहीं लगते, मुर्गे की लड़ाई देखने आए थे क्या? अच्छा सट्टा लगाने आए. जल्दी बोल. सर आई हैव कम टू लर्न एग्रीकल्चर. सर किस लिए आए हो? एग्रीकल्चर क्या मतलब? खेती सर. मैं खेती सीखने के लिए आया हूँ. खेती सीखने? अच्छी बात है. जाओ जाओ सीखो सीखो. सर बाइक. अरे तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ यहाँ से. सर रुकिए ना सर, मुझे कुछ कहना है आपसे. एक्सक्यूज मी. तू है मेरी किस्मत पर. एक बात कहूँ? पता नहीं मैंने क्या पाप किया था जो इनके घर पैदा हुआ. बंगारी अपने बाप से ऐसे बात करते हैं क्या? अब ज्यादा पकाओ मत. अब तक तुम्हारे बाप ने सिर्फ घर से निकाला है, गांव में इसलिए टिके हो क्योंकि तुम बल्ला सिंह के बेटे हो. ये मेरे चाचा हैं? यार है कि मैंने क्या उखाड़ लिया? न जुआ खेल सकता हूँ, न दारू पी सकता हूँ. इनके पास बहुत माल है. इनको बोलो मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं निकल लूंगा. जल गई ना. इन्होंने अपने बड़े बेटे को भी ऐसे ही घर से निकाल दिया था. अब मैं अकेला ही बचाऊँ इनकी चिता को अग्नि देने के लिए. अग्नि क्या? तू मेरी अर्थी को कभी कंधा भी मत देना. इसको बोलो कम से कम एक दिन के लिए सही तरीके से जी कर दिखाए. सिर्फ अकलदार निकलने से अकल नहीं आती, इंसान को इंसान बनने में जिंदगी निकल जाती है. सुपर्ब. वंस मोर सर. ये बचाओ. सुनिए बस देखिए
2 मिनट्स आदि इंग्लिश में बोल, बच्चा नहीं करेगा या कुछ क्या कर रहे हो आप? आपका वजन नहीं ले पाएगी रस्सी। सर रुक जाइए सर, पीछे तुम बचा रहा हूं। सर क्या कर रहे हैं आप? रस्सी टूट जाएगी, पीछे हटिए। ये लाते, थैंक यू सो मच। रो मत बेटा, हम बचा लेंगे तुम्हें। मुझे प्लीज दीजिए उधर हो। संभल के, मुझे ऊपर नहीं रहना है। घबराओ मत। डाउन। अरे हिंदी बोलना। नीचे। हाँ समझ गया। आराम से। पिया को कसके पकड़। मेरी बच्ची। हटो। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरी तो जान निकल गई थी। तेरा दिमाग खराब है। पिया को छत पर क्यों लेकर गई? अरे होता है। कुछ सबक करो। हटो, सामने से हटो। चलो भीख कम करो। काली नजर, बुरी नजर, आड़ी नजर, तिरछी नजर, सब नजर छू। नानी का टोटका सब ठीक कर देगा। फेस टू फेस खड़े हो जाओ, इतने फार क्यों खड़े हो? आज नानी का माउंट शट है ना, इसीलिए आई एम टेलिंग। इधर आओ बेटा। चंद्रशेखर सिंह जी का बेटा और आपका पोता हूं दादी। ए, तेरी यार की हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो और कहां से आए हो? ऐसे बुढ़िया पूछ रही है, मतलब नानी। आज इसका मौन व्रत है ना, फिर भी सवाल जवाब जरूर करेगी। फौरन से आया है, लंदन में पला बड़ा है, खेती बाड़ी के बारे में सीखने आया है, कुछ दिन यही रहेगा हमारे साथ। हाँ सीखो जी भर के खेती इनसे। ऐसी खेती करते हैं किसान भूखे मर जाते हैं, बड़े उस्ताद हैं। साला सट्टे बहुत। इस मुर्गे की बातों पर ध्यान मत देना, ले जाओ जरा तगड़ा नाश्ता कराओ इसे, बहुत मेहनत की है। ठीक है, बिल्कुल शर्माना मत, दबा के खाना। नाम क्या बताया? अभी राम। राम, ठीक है राम। मैं अपना सामान उठा लूंगा। अरे मुझे तो वाह, ये घर तो बिल्कुल महल लगता है। ये हमारे ससुर जी का पुश्तैनी घर है। और आप? मैं घर का बड़ा जमाई काशी, और ये हैं छोटे जमाई। मैं यहाँ का करता धरता। ससुर जी अपने दोनों बेटों के साथ नहीं रहते, बेटियाँ भी चली जाएंगी तो वो सुखी कैसे रहेंगे? जिस लड़की को आज तुमने बचाया, मैं उस बच्ची का पिता हूँ। जान बचाने के लिए थैंक यू, पूरा परिवार तुम्हारा फैन बन गया है। ये चित्रा है। हमारी सासू माँ की दूर की रिश्तेदार, हमारे साथ ही रहती है। हेलो अंकल खीर। थैंक यू स्वीटहार्ट। ये तो सुपर्ब है। हे कम। देखो मैं तुम सबके लिए लंदन से कितने चॉकलेट्स लाया हूं, ये लो। थैंक यू अंकल। तुम सबके लिए एक किस दो। ला इधर आ। थैंक यू। मासी ने ये सब तुम्हें देने को कहा है, तुम इस तरह की चीजें खाओगे ना? ऐसे क्यों पूछ रही है? बिल्कुल खाऊंगा। तुम विलायती जो हो। इसमें क्या है? मेरे बाबा तो हर संडे ऐसी डिशेस बनाते हैं। तुम्हारे बाबा खाना भी बनाते हैं? तो माँ ऑफिस जाती है? मेरी माँ बचपन में ही चल बसी। सेम केस, मेरे भी माता पिता काफी पहले दुनिया से चले गए। आई एम वेरी सॉरी। मेरी तरफ से भी सारी, तुम्हारी माता जी नहीं है ना? बात से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हो तो हाथ मिलाओ यार। हाँ फ्रेंड्स। ये बट आई लाइक द होल थिंग, बिग हाउस, दादा हैं, दादी हैं, एंड सो मेनी पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरा परिवार है।
यहाँ आके मजा आ गया। एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊँ बाबा? हाँ बेटा। दादा ने आपकी फोटो पर हार चढ़ा दिया है। What? It's not funny. मैंने कहा था ना तेरे दादा ऐसे ही हैं। ये बता माँ कैसी है? अच्छा बंगाली से मिलने का मौका मिला? वो आजकल क्या करता है? वो मुझे थोड़े से अजीब लगते हैं। घर पर रहते ही नहीं। क्यों? ये अब तक मेरे पल्ले नहीं पड़ा। संभल कर, तेरे दादा बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल हैं। भले ही मैं उनसे दूर हूँ, लेकिन ये जानकर दिल को तसल्ली मिली कि वो सब खुश हैं। हमें उनकी खुशी को डिस्टर्ब नहीं करना है। बाय। बाय। Come back soon. Good night, Dad. Good night. Good night, Indu. Good night. Miss you both. हाँ, ठीक है। कॉल करता हूँ मैं। ठीक। बोला ना करता हूँ। मेरे परदादा एमपी थे, मेरे पिता भी एमपी थे, और मैं भी एमपी हूँ। कोई आलतू फालतू लोग नहीं है हम। तुझे भी एमएलए बनाने वाला हूँ, और तू है कि मुर्गों पर सट्टा लगाता पिता कमीना। अरे भाई उसको क्यों मार रहे हो? ये घोटाला तुम्हारे ताऊ बलराज की वजह से हुआ है। अपने बेटे को तो वो ठीक से संभाल नहीं पाता है, तुम्हारे बेटे को पुलिस में पकड़वा दिया। ताऊ मत बोलो, पड़ोती है साला। पिछले इलेक्शन में मैंने बोला था मुझे सपोर्ट कर, पाँव भी पकड़े थे। सपोर्ट तो दूर, साले ने मुझे ही हरवा दिया। ताऊ बोलते साले को जमानत की रकम भी जब्त हो गई थी। कहने को वो मेरा भाई है, पर हमारी तरक्की से मन ही मन जलता है। अरे जलता है तो जले, हम क्या करें? उसको तो जिंदा जला देना चाहिए। पॉलिटिक्स और गुस्से को मिलाना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर पैरों पर गिरना चाहिए, काम हो जाने पर पैरों को खींच के गिरा देना चाहिए। फिलहाल तो हमें बियर फैक्ट्री लगाने पर ध्यान देना चाहिए। अपना दिमाग उस प्रोजेक्ट पर लगाओ। मेरे भाई को तो बाद में देख लेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आई मीन सुप्रभात। शुभोदयम। शुभोदयम। चाहे कहीं भी रहो अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलनी चाहिए। श्योर गुरुजी। ये कराटे कर सामू? हाँ मैं सीख सकता हूँ। हाथ पर तोड़वाने हैं क्या? नो पेन नो गेन गुरुजी। क्या हो मतलब मर्द को कभी दर्द नहीं होता। नमस्ते गुरुजी। इस कला में कभी अपने विद्रोही को नमस्ते नहीं करते। ओ, तो फिर नराना। वही घोल के पी गया। मुझे सीखने में एक महीना लगा था। ये कोई मामूली पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं, महापुरुष है। आप भी पुरुष नहीं हो क्या? आप तो हो। गुरुजी मार मुझे। गुरुजी गेट रेडी। हाँ अरे अच्छे से मार, ताकि बुड्ढे की अकल ठिकाने आ जाए। देख फटका इधर। रुक मैं भी आता हूँ। देखिए ना दुबली क्यों हो गई थी? शहर में खाना नहीं मिलता क्या? एग्जाम्स के लिए रात दिन पढ़ाई करती थी, खाने का भी होश नहीं रहता था। पढ़ूंगी तभी टॉप करूंगी ना, सही कह रही है। ताकि अंकल अपनी मुझे शान से ऊंची कर सके। राम। यस गुरुजी। ये सत्या मेरे दोस्त की बेटी। हेलो। और ये लंदन से आया है खेती बाड़ी का व्यवसाय सीखने के लिए। हाय। नमस्ते। देखा ये है संस्कार। hey, जाके तैयार हो जाओ, हम खेत चलेंगे। okay. मैं भी आया।